ऊपर से डाल देते हैं हम ये करी पत्ता, जिसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं हरा धनिया। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बनके तैयार, एकदम सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, बढ़िया। इस तरह से ये रेसिपी बिल्कुल तैयार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं पूजा गर्ग अपनी रसोई से। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे का होममेड पास्ता। बच्चे और बड़ों दोनों को ही पसंद आता है, लेकिन बच्चों का बहुत फेवरेट है। बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही होता है बहुत ज्यादा। तो बना रहे हैं ये रेसिपी, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, तो इसलिए ये 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा, और ये 1/4 कप लिया है मैंने, ये 1/4 कप लिया है मैंने बेसन। तो अब हम कुछ मसाले डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल दूंगी नमक। नमक हमें इस समय थोड़ा ही डालना है क्योंकि बाद में ही पड़ेगा। और ये मैं ले रही हूँ अजवाइन, अजवाइन मैंने 1/2 चम्मच लिया है, और इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। मैंने अजवाइन डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी, चिली फ्लेक्स। आप अपने स्वादानुसार, जैसे आपके घर में अगर मिर्च अच्छा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। फिलहाल मैं जो है 1/4 चम्मच ही डाल रही हूँ, ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है, क्योंकि मिर्च बाद में भी डालेंगे। और अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। उससे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें हींग। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको कि हींग मैंने थोड़ी डाल दी है, 1 पिंच हींग है, बिल्कुल 1 पिंच से ज़्यादा नहीं है। और इसे हम मिला लेते हैं, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, इसे मैं मिला लेती हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैंने उसी कप में पानी ले लिया है, ये थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मिलाएंगे। इसको डो को तैयार करना है, ये ना तो बहुत सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड हो, जैसे मठरी या पूरी का मलते हैं उस तरह का नहीं बनाना हमें डो। हमें नॉर्मल जो रोटी पराठे वाला होता है तो बिल्कुल उसी तरह का बनाना है। ये बिल्कुल डो बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट। और इसे अब मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है फ्रेंड्स। 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम इस आटे को बहुत अच्छी तरह से मल लेते हैं। मलने के बाद अब हम इसमें से तोड़ देते हैं लोइयां। तो ये मैंने 2 भागों में कर लिया है, और इसकी बना लेते हैं लोई। ये देखिए लोई मैंने ले ली है, और ये मैंने ऑयल लेके और चकले पे लगा लिया है, और थोड़ा सा बेलन पे भी लगा लिया है, देखिए जिससे ये आराम से बिल जाएगा। ये मैंने इधर उठा, इसे हम इस तरह से बेल लेंगे फ्रेंड। थोड़ा सा हम यहाँ से काट लेंगे जिससे कि ये अच्छे से। अब हम, मैंने एक पेंसिल ले ली है, और इसे साफ अच्छे से पोंछ लिया ऊपर से, इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसे हम मोड़ते हुए, ये अब मैंने इसके ऊपर कर लिया है, मोड़ लिया है, और मोड़ते हुए अब हम इसे इस तरह से मोड़ती जाएंगे। तब हम इस पर पानी लगा लेते हैं। ये हमें पानी लगाने वाली ये जो प्रक्रिया, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है, जिससे ये खुलेंगे नहीं, और थोड़ा सा बाद में दबा भी देंगे यहाँ से, देखिए। अब हम ये जो मैंने पेंसिल डाली थी इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल रही हूँ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल के साइड में रख दिए, और ये मैंने रोल बना लिया। इसे थोड़ा सा और इस तरह से गोल गोल कर देते हैं, ये हमने साइड में रख दिया है। अब हम दूसरा वाला रोल ले लेते हैं,
देखिए ये लोई ले लिया मैंने और इसे बने हुए को साइड में रख देते हैं। ये दो पेड़े और हैं, अभी मैं इसका बना रही हूँ। अब आप देखिए बेलेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, हमें ये पतला ही बनाना है। पहले भी पेंसिल पर तेल लगा थोड़ा सा लगा लिया था, ऑयलिंग कर ली थी और अब भी मैंने ये लगा लिया है और इस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर सा बनाते हुए इतने वाले हिस्से पर पानी लगा रही हूँ उसके, जिससे कि ये खुले नहीं। ये पानी लगाने वाला प्रोसेस जरूर करना चाहिए, देखिए। और जब ये हिस्सा आए ना तो थोड़ा सा प्रेशर भी लगाना है हमें, इस तरह से दो बार इस तरह से करने और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पेंसिल को फिर निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से निकाल दिया और इसे मैं रख देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने पानी लगा लिया है, ये पानी वाला जो प्रोसेस है ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना। और अब हम इस पेंसिल को निकाल देंगे, इस पेंसिल को हम निकाल देंगे। तो देखिए ये इसमें होल बन गए, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये पानी चढ़ा हुआ है और इसमें मैं, और ये पानी गर्म भी हो गया है और अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच ये सरसों का तेल। फ्रेंड्स इसमें सरसों का ही तेल डालना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। और अब सरसों के तेल के साथ साथ ही मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना पर थोड़ा सा डाल दिया। और अब इसमें बबल्स आ गए हैं तो ये जो हमने रोल बना कर रखे हैं इन्हें हम डाल देते हैं। इस तरह से ये मैंने डाल दिए और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। इस समय हमें इन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। और किस स्टेज तक पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये चारों फूल फूल कर ऊपर आ गए हैं और जस्ट डबल हो गए और ये बिल्कुल ऊपर तैर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये बन गए। और वैसे आप इसे डाल के भी देख सकते हैं सर, ये एक दिन से बन गए कि ये साफ निकलता है कि नहीं। देखिए आप तो ये चारों पक गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए और मैंने गैस बंद कर दी है। पूरा 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए इसे पकते हुए, मैंने गैस बंद कर दी है। और मैं अब ये जो रोल्स हैं मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने चारों निकाल लिए, देखिए। और अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स ये पानी जो है इसे फेंकना नहीं है, अब ये बहुत काम आने वाला है तो ये मैं इसे साइड में रख देती हूँ। फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है तो इसे हम अब कट कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा है और इनके पीसेस के साइज का आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी आप पसंद करते हैं ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई इतना साइज का इशू नहीं है। फ्रेंड्स मैंने सभी रोल्स को कट कर लिया है, आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी कट हो गए और अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच भरकर तेल और तेल हो गया है गरम और अब मैं डाल रही हूँ एक चम्मच इसमें राई।
डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये प्याज डाली है मैंने, ये एक बहुत बड़े साइज की प्याज डाली है। देखिए इसे हम भून लेंगे। हमें भूनने में ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का क्रंची भी रखना है इसे फ्रेंड्स बहुत। और ये मैं डाल रही हूँ हल्दी, पर बहुत थोड़ी मात्रा में, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा टमाटर, ये मैंने टमाटर डाल दिया है और अब इसे हम भून लेंगे। देखो फ्रेंड्स ये वही पानी है जिसमें मैंने ये रोल उबाले थे और इसमें से मैं ये पानी ले रही हूँ, ये इसका काम आएगा। और बस अब हमें इतना ही पकाना है और ये पानी हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इस स्टेज पर हाँ हम ये डाल देते हैं, हमने कट करके रखे थे। थोड़े से फ्लेवरफुल मसाले मुझे अभी और डालने हैं तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ ये चाट मसाला, ये आधा चम्मच चाट मसाला। और देखिए ये मैंने लिए है चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ और आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं ना डालें। फ्रेंड्स ये मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाल दिया था तो अब मैंने थोड़ा कम ही रखा है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये थोड़ी देर पकने देते हैं हम। मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अमचूर पाउडर, फ्रेंड्स इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अब मैंने मसाले कंप्लीट हो गए हैं और अब बस अब हम थोड़ी देर के लिए इसे पकने देते हैं कि बच्चे बड़े सबको बहुत बहुत पसंद होती है और ये बिना चिकनाई भी ज़्यादा नहीं होती इसमें तो सभी लोग ज़्यादा लाइक करते हैं इसे और जब फटाफट बन जाती है देर भी नहीं लगती। इस तरह से अब हम इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स मैंने गैस बंद कर दी है और अब मैं देखती हूँ, देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है नाश्ता एकदम बढ़िया। तो हम इसे नीचे उतार लेते हैं, देखिए पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, कितना बढ़िया बन के आया है देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और घर की ही चीज़ों से, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बाहर चलाने की ज़रूरत नहीं है, जिस समय भी आपका खाने का मन हो रहा है आप फटाफट बना सकते हैं। इस समय तो मेरे पास प्याज और टमाटर ही था और इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं आप, शिमला मिर्च वगैरह है तो वो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और ये नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये खम बन कर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से डाल देते हैं हम ये करी पत्ता जिसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं हरा धनिया। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स ये गेहूं के आटे का पास्ता बनाया है, ये रेसिपी होममेड रेसिपी है, ये घर में ही बनाया जाता है। और देखिए ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, ये बच्चे और बड़ों को सभी को बहुत पसंद होता है, बहुत टेस्टी होता है। और सबसे मेन बात है कि ये घर के ही सामान से बन जाता है जो भी घर में उपलब्ध हो। अब सब्जी और ज़्यादा हो तो आप और भी ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, आज मैंने प्याज टमाटर ही डाला है इसमें घर, और हेल्दी बहुत है क्योंकि ये गेहूँ के आटे से बनी है। फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार, एकदम सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट बढ़िया, इस तरह से ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट्स करने हैं बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। और ये देखिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी पर, थैंक्स।